ओडिया रचना शीत ऋतुरे पल्लीर दृश्य उपक्रम हिम शीतल हेमंत को विदाय देई धरा पृष्ठरे अवतरण करे शीतकाल टपा टपा शिशिर बिंदु शीत प्रवाह रे घनीभूत होई वायुमंडल को अधिक शीतल करे पौष और माघ मास को शीत ऋतु कहंती एही ऋतु रे उत्तर दिगरु ठंडा पवन बहे प्रकृति राज्य रे देखा जाए विराट परिवर्तन सेही परिवर्तन मध्य रे शीतकालीन पल्लीर दृश्य अत्यंत मनोहर होई उठे। पल्ली दृश्य मार्गशीर मास प्रारंभरु माघ मास शेष हेबा पर्यंत शीतल प्रभाव अनुभूत हुए। माघ मासरे प्रबल शीत हुए। शीत कालरे रात्रि अपेक्षा दिन छोट हुए। प्रातः कालरे सूर्योदय विलंबित हुए। सकाळे दुबघास उपरे शिशिर बिंदु पड़ी मुक्ता भली शोभा पाए। पल्लीर दूर दिग्बलय धुआंलिया देखा जाए। शीतकालीन पल्लीर सकाळ अत्यंत शांत सरल ओ मनोहर। पल्लीवधु सकाळु गाधुआ सारी शीतरे थुरुथुरु होई हातरे गोरा बा माठिया धरी नोई आडु घरकु फेरुथाए। ता हातर झटी ओ चितारे पल्ली अगणा मनोहर दिसुथाए। मंदिररु सकाळर आरती घंटा ध्वनि पल्लीवासीक मनरे भक्तिभाव जाग्रत करुथाए। छोटो पिला माने मा कोळ छाड़ीबा पाई राजी हुवंती नाही। शीत कष्टरु रक्षा पाइबा पाई बुढ़ा बुढ़ी माने गाँ दांडरे निया जाली निया पुआउ थांती। चदर घोड़ाई होई केतेक लोक दांडपिंडारे बसी खुशी गपरे मजी जाई थांती। हाड़भंगा शीत को खातिर न करी चसापुओ दा धरी मन खुशी गीत गाई हलदी गुरु गुरु सुना क्षेत को धान काटिबा को जानती। शीतकाळरे मध्याह्न सूर्यकिरण प्रचंड हेले मध्य कृषक सूर्यंकु स्वागत जणाई फसल काटिबारे लागि जाए। कृषक घरणी कटा धान को कळेई बांधी खळाबाड़ी को बोही नै आसे। शीत ऋतुरे फसल एही ऋतुरे पल्लीवासी बाड़ी बगीचारे बहु प्रकार पनीपरिबा लगाई थांती। मूला शाग आलु पियाज कोबी बिलाती सिंबो रसुण मटर बीन छुई प्रचुर परिमाण रे फळे। बाड़ी बगीचा मानंकरे गेंडु मंदार कनियर सेवती फूल फुटी सुंदर दिसे। एही ऋतुरे कमला अंगूर नाशपाती बेदना पिजुड़ी करमंगा बरकोली इत्यादि फल प्रचुर परिमाण रे मिले। पर्वपर्वाणी शीतकालीन पर्वपर्वाणी गुड़िक ग्रामभूमि को उन्मादित करिथाए। नुआ फसलर प्राचुर्य पल्लीवासी प्राणरे पुलक जात हुए। सेथिपाई बोधे आनंदरे पर्व पालन करी पल्लीवासी विभोर हुवंती। सांब दशमी धनु संक्रांति मकर संक्रांति आदि पर्वरे घरे घरे खीरी बुरी पिठा पणार केते कोण व्यवस्था हुए। सरस्वती पूजारे पिला माने नुआ वस्त्र पिंधि सत्य जेपरी पल्ली जीवनर पूर्णता ओ उल्लास परिप्रकाश करंती। उपसंहार पल्ली अंचलरे प्रबल थंडा पड़े। अधिकांश बुढ़ा बुढ़ी थंडा सही न पारी मरी जानती। शीत वस्त्र अभावरु गरीब लोक माने शीतरे असह्य कष्ट पाती। सबु सत्ते शीत ऋतु स्वास्थ्य पक्षे हितकर। शीत ऋतुरे शीत कष्टदायक हेउथुले मध्य फसल अमलर समय होइथिबारु लोक माने शीत कष्ट भूली खूब आनंदरे थांती।